हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट शबक जी और दिस इज़ द मल्टीविटामिन। आजकल मल्टीविटामिन का बहुत कल्चर है और तो मैं इसके सारी डिटेल्स आपको बताती हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ, ए टू जेड आपको सारी चीज़ें, सारा रिव्यू आपको देती हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है, अगर आप लोगों को कोई मेडिकल इशू है, कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई हेल्थ इश्यूज आपके चल रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कोई मेडिसिन ना लें, ठीक है। ऑल्दो अगर ये मल्टीविटामिन है तब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ना लें, ठीक है। नेक्स्ट इज़, अब इसको यूज़ कौन कौन कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं टीनेजर्स, इनको यूज़ ना करें। 25+ अगर आपकी एज हो गई है देन यू शुड यूज़ द मल्टीविटामिन। सर्वेक्स जी हो या कोई भी मेडिसिन हो आप उसको यूज़ करेंगे। सर्वेक्स जी यहाँ पर मैं रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मल्टीविटामिन्स हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी है, सारी चीज़ें हैं। और देखें, सबसे पहले इसकी मैं आपको प्राइस दिखाती हूँ। देखिए इसमें इसकी एक्सपायरी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और इसकी प्राइस 295 मेंशन की हुई है और मतलब 300 के अंदर अंदर आपको ये मल्टीविटामिन मिल जाएगी। इस ये आता है कांच की बॉटल में, इसमें 30 टैबलेट्स हैं, ठीक है। एक इसकी आती है 60 टैबलेट्स की भी, तो उसकी प्राइस जो है वो 60 टैबलेट्स के हिसाब से चेंज होगी। मैं इस मल्टीविटामिन को पूरा यूज़ कर चुकी हूँ तभी मैं आप लोगों को अपना ये बता रही हूँ कि इसने किस तरह मेरे ऊपर रिएक्ट किया है या इसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर किस तरह से हुआ है। सबसे पहली बात, अगर आपको विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है या आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है या जिंक की डेफिशिएंसी हो रही है, इसमें सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो आपकी इन सारी डिफिशेंसीज़ को दूर करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट होने लगी है, बहुत आप लेथार्जिक हो रहे हो, आपको कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा और आपकी कोई मेडिकल कंडीशन भी नहीं है ऐसी और फिर भी आप लेथार्जिक हो रहे हो, तो आप जो है ना एक दफ़ा ये सर्वेक्स जी ज़रूर यूज़ करके देखें, ये मेरी रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट चीज़, ये करती क्या क्या है, ये आपकी बालों के जो ग्रोथ है उसको अच्छा करती है, आपके स्किन को अच्छा करती है। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी है, आपका फॉलिक एसिड जो है उसको भी कुछ हद तक बैलेंस करती है। इसमें फॉलिक एसिड ऑल्दो इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया या कोई और मतलब ब्लड की कमी है तो वो ऑब्वियस ही बात है आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करेंगे, ठीक है। आजकल के दौर में मल्टीविटामिन लेना इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं वो हमारी डाइट से पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब ये देखें, कांच की बॉटल में है और आपने अब इसको लेना किस तरीके से, आपने इससे इसको लेने से पहले आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना, दूध दही चाय इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये फिर अच्छी तरीके से बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होगा। आप इसको लेंगे इस तरीके से कि आपने सुबह नाश्ता किया, चाय शाय जो भी पीनी है वो पी लिया और फिर उसके बाद जब आप दोपहर का मील लेते हैं ना, दोपहर का खाना खाने के बाद आप इस मल्टीविटामिन को लेंगे, ठीक है। मल्टीविटामिन्स को रात में नहीं लेते, मल्टीविटामिन्स को हमेशा दिन में लेते हैं ताकि वो बॉडी में अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए। और चाय का इस्तेमाल नहीं करना, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये जिंक और आयरन की अब्सॉर्प्शन को जो है आपकी बॉडी में डिक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने मल्टीविटामिन्स इसको कितने टाइम तक यूज़ करना है, आप चाहें इसको 1 मंथ यूज़ करें फिर छोड़ दें। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी बॉडी को इसकी आदत ना हो और आपके बाल भी अगर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्किन आपकी ख़राब हो रही है, आप लेथार्जिक हो रहे हो, तो आप इसको जस्ट 1 मंथ लें एंड देन ब्रेक दे दें, फिर आप कोई और मल्टीविटामिन ले लें, ठीक है। तो मल्टीविटामिन्स को स्विच करते हुए आपने यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। मैंने भी इसकी सिर्फ यही बॉटल ली है और बिलीव इन मी, इसने मेरे हेयर लॉस को काफ़ी हद तक बैलेंस किया है, इसने मेरी लेथार्जी को काफ़ी हद तक सेट किया है और
और क्या किया है इसने, इसने मेरी स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश किया है, क्योंकि अगर आप खुद फ्रेश फील नहीं करोगे तो आपकी स्किन और आपके बालों पर हर चीज़ पर इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो इसके साथ एसोसिएट हो सकती है वो ये है, वो मतलब बेसिकली वो प्रॉब्लम नहीं है, यूजुअली जब आप इसको ले रहे होते हो तो क्या होता है, येलो यूरिन पास होना स्टार्ट होता है, तो इससे जो है ना काफ़ी लोग डर जाते हैं कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। तो जो है, अगर आपको येलो यूरिन इसको खाने के बाद पास हो रहा है तो इसमें एज सच घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में जिन विटामिंस की ज़रूरत नहीं होती या जिस चीज़ों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर मल्टीविटामिंस हैं, ठीक है, तो जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती तो वो आपके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब इसमें सारे इसके एमजी सारी पावर सब कुछ लिखी हुई है, तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी रिजनेबल है, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट दिया इसने मेरे बालों में और सारी चीज़ें। तो खुद बात